हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के, पाइथन में क्या नया है आइए दिखाता हूं। एक लूप है जो कि वाइल लूप है और थोड़ा सा इसमें कंडीशन समझेंगे। आउटपुट कई बार प्रिडिक्ट करने के लिए कहा जाता है आपसे और शायद आप आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए अगर आप इंटरव्यूज में जाते हैं या कहीं पर भी, अगर आप ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं, बीसीए भी करते हैं या बीटेक भी करते हैं, तो ऐसे में आउटपुट प्रिडिक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहां से मैं पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है उसे मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये हो गई ट्रेडिशनल आईडी ओपन। ठीक है, अब इस पे करना क्या है जरा ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो न्यू पेज ले लेंगे हम और एक क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन क्या है मैं दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर एक वेरिएबल बनाया गया है आई, और आई में क्या स्टोर कराया गया है, आई में स्टोर कराया गया है 5। ठीक है, और फिर यहां वाइल लूप लगाया गया है, तो ये वाइल लूप लगा लिया। वाइल आई इज लेस देन क्या किया गया है, लेस देन 20 किया गया, लेस देन 20। ठीक है, आई में इनिशियलाइज क्या किया गया है 5। अब ये जो है ना, ये इनिशियलाइजेशन है। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन है और यहां पर ये लूप लगाया गया, यानी कंडीशन दी गई है, कंडीशन। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। और यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिंट फंक्शन, लिख रहा हूं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए जरा प्रिंट फंक्शन कैसे लिखेंगे। यहां लिखेंगे print प्रिंट, और यहां लिखूंगा ए सॉरी आई। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई, और एंटर करेंगे। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराने की बात आएगी। ठीक है, तो कैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, तो यहां लिखेंगे आई प्लस इज इक्वल टू 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आई प्लस इज इक्वल टू 3, ऐसे में आउटपुट क्या आएगा, ये हो गया आपका इंक्रीमेंट। क्या हो गया, इंक्रीमेंट, आई एन सी आर ई एम ई एन टी, ये हो गया इंक्रीमेंट। तो अभी हम कैसे चलाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो मैं देखिए बताता हूं आपको क्या क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले देखिए, आई में 5 है तो 5 तो प्रिंट ही करने वाला है ये। ठीक है, पहले तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, कह रहा है आई इज लेस देन 20। लेस देन 20 का मतलब 19, यही ना हुआ, लेस देन 20 का मतलब 19 ही हुआ। ठीक है, लेटेस्ट वैल्यू जो आएगी लेस देन 20 वो 19 ही आएगी। अब 19 जब आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 के बाद तीसरा नंबर, 5 के बाद जो तीसरा नंबर, अच्छा यहाँ प्लस 3 प्लस आई प्लस इज इक्वल टू 3 इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट माने एक एक करके बढ़ाना। अब यहाँ कितना बढ़ाया गया है, प्लस 3, यानी हर बार तीन तीन बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ प्लस 3 दिया गया, इसका मतलब हर बार तीन तीन बढ़ाना है। तो 5 के बाद 6, 7 और 8, यानी 5 के बाद 8 प्रिंट करेगा। फिर देखिए 8 के बाद 9, 10, 11, तो 11 प्रिंट करेगा। 11 के बाद 12, 13, 14, तो 14 प्रिंट करेगा। 14 के बाद 15, 16, 17, तो यहाँ 17 प्रिंट करेगा। और उसके बाद कोई वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, इतनी ही चीजें प्रिंट करेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज प्रिंट होंगी। चलिए एक बार चला के देख लेते हैं क्या होता है, आता है कि नहीं आता है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चेक करना पड़ेगा ना। किसी भी नाम से इसे सेव करके .py लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5, 8, 11 और 17 ही प्रिंट करके आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट करिएगा, ये तरीका है, ये बार बार अभ्यास करने से होगा। ठीक है ना, ओके।